बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत होंगे। अल्लाह पाक की रहमत और फजल करम के साथ मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज जैसे कि आपको पता है कि आज है फ्राइडे, तो सबसे पहले माशाल्लाह जुमे के लिए तैयार हो चुके हैं। अब जाएंगे नमाज की अदायगी करेंगे। नमाज की अदायगी के बाद फिर आपको दिखाएँगे, लेकिन दिखाने से भी पहले आपको बताएँगे कि किचन में आज क्या पक रहा है। तो आज हम साथ फिर कंटिन्यू करते हैं और साथ साथ बातें भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा, आज आपने क्या पकाया है भाई? आज बहुत भूख लग रही है, आपको पता है मुझे व्लॉग शूट करने जाना है। पहुंच गए जी? बिल्कुल, मैं पहुंच गया हूं। ठीक है, मेरा भी खाना रेडी हो चुका है और मैंने आज जो बनाया है सरप्राइज दाल और आपके मजे मजे के चावल। क्या बात है, ये चावल मैंने जैसे आप कह रहे हो कि मामा ज्यादा ना गले हो ना वो अच्छे बने चावल बना दिए। दाल तो बड़ी जबरदस्त लग रही है, दाल आपकी ओ, यानी आज जो है मेरा दाल चावल का है जी, आज दाल चावल डिश कंप्लीट हो जाएगी जबरदस्त। तो आज यानी यही खाने में जबरदस्त चीज बन गई। और अभी मैंने बनाई है उसकी स्टीम भी अभी ना, यानी की आप अचार कहें अचार है अभी। चलो ठीक है, फिर ये हम खाते हैं और अपना व्लॉग शुरू करते हैं। जी चलो शुक्र है, अचार भी आ गया भाई जबरदस्त। ये अब हो गया जबरदस्त खान। ये आपने मसाला सेटिंग अच्छी कर दी यार चावलों की। दाल भी डाल दो ताकि मैं अपने व्यूअर्स को दिखा दूं। जबरदस्त, क्या बात है। चलो बस बहुत हो गया मसाला यार, सारे खाने एक जगह। लेकिन जो मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे जो है ना अपनी पर्सनल डिश ये बहुत अच्छी लगती है, काले चने चावल। नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा मुंह खोलने की जरूरत नहीं है भाई। एक चीज़ और हो गई थी मेरे साथ जो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करूँ, इतनी सारी चीज़ें शेयर की। मेरा पुराना वाला वॉलेट जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो गया, तो अभी लिहाजा नया वाला वॉलेट जो है, नया तो नहीं ये भी मतलब मेरे यूज़ में ही था, लेकिन अभी मैंने ये वाला वॉलेट निकाल दिया। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा ये कैसा लग रहा है भाई। है तो ओरिजिनल प्योर लेदर का ही है और माशाल्लाह क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसका आपने मुझे ज़रूर बताना है। फिर उस गर्मी बहुत ज़्यादा है, माशाल्लाह जुमे वाला दिन है यार, देखें चेक करें पूरा मौसम। और जुमा तो माशाल्लाह पढ़ना ही है, और बस जुमा पढ़ने के बाद फिर जो है आगे इंशाल्लाह। एक चीज़ मुझे और मिली है बड़ी ज़बरदस्त, जो मैंने आपको जैसे बताया था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन वो घर पर पड़ी हुई है तो उसका वेट कीजिए। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि यार गाड़ी के टायर एकदम ख़त्म हो रहे हैं, ये देखें सी ग्रिप जो है पूरी ख़त्म हो रही है, चेंज कराने पड़ेंगे। यहाँ से तो बाकायदा पूरे ही फारिग हो चुका है। क्या ज़बरदस्त गाड़ी है यार, माशाल्लाह अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। ऐसी गाड़ी हो बंदे के पास तो यार पहाड़ों पे चढ़ाने का मज़ा ही लग गया भाई। इसे बोलते हैं कि ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो राइड हो जाती है एक बंदे की। यार जितना मैंने सोचा था ना उससे भी कई गुना ज़्यादा गर्मी है माशाल्लाह। एक चीज़ बड़ी अच्छी आपको और बताऊंगा भाई, जितना हो सके इस फ्राइडे वाले दिन में दुरूद इब्राहिम पढ़ें, इसका बहुत स्वाब है और ये बहुत नेकियां आपको मिलती हैं इसमें। तो इस चीज़ को उसके बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो है थोड़ा सा काम ये भी है भाई आप लोगों को गाइड करना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो नेकी की बात भी करनी चाहिए, और जिस महफिल में अल्लाह का जिक्र ना हो तो वो फिर आपको पता है महफिल बेकार होती है। तो मेरे भाई जितना हो सके दुरूद इब्राहिम पढ़ें, और वो उसका आपको बहुत अजर मिलेगा, इसके बड़े माशाल्लाह अजर है। आपके 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं, 10 गुना माफ़ हो जाते हैं, 10 नेकियां मिल जाती हैं, और 10 रहमतें होती हैं अल्लाह पाक की, और भी बहुत सारी इनकी फजीलतें हैं। तो ये इसलिए थोड़ा सा हो सकता है शायद लंबा ब्लॉग हो जाए, आज आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है। लीजिए भाई माशाल्लाह मस्जिद उमर फारूक आ गई है। अभी यहाँ पर हमने करनी है पार्किंग, अलग से अच्छी जगह मिल जाए। इधर माशाल्लाह तंदूर वाले स्टार्ट है मेरी रोटियों पे जबरदस्त किस्म के। अभी माशाल्लाह यहाँ पर तकरीबन बहुत कम लोग आए हैं, खाली पड़ा हुआ है, लेकिन गर्मी बहुत है यार। ये मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ साथ साथ, ये आप देख सकते हैं पीछे मेरे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।
अभी माशाल्लाह यहाँ पर जुमे का टाइम है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है। और ये आप देखिए माशाल्लाह अंदर से नज़ारा मस्जिद का। जुमा माशाल्लाह पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और अभी यहाँ से हम लेंगे थोड़ा सा दूध दही। यार माशाल्लाह यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है यार, आप यकीन करो अभी ये महंगाई का सीन आ गया कि ये देखो 100 रुपये का दही लेना था मैंने, और दही इन लोगों ने कितना दिया। सिर्फ इसलिए मैं देखना चाह रहा था कि 100 रुपये का कितना देते हैं, लेना तो मैंने ज़्यादा ही है, लेकिन सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए कि ये देखो यार। अब भाई ये आप देख सकते हैं, अभी मैं यहाँ पर आया, मुझे अपना कोई पर्सनल काम था, तो मैंने कहा आपके साथ ये भी जो है व्यू थोड़ा सा शेयर कर लूँ। माशाल्लाह आज काफ़ी सफाई वगैरह हुई भी, बहरिए के अंदर काफ़ी अच्छी ब्लॉगिंग हो जाती है, लेकिन जैसे बंदा कराची के लिए निकलता है भाई डर लगना शुरू हो जाता है, चिन्ना झपटी बहुत होती है। तो आप चेक करें माशाल्लाह कितनी प्यारी है, और इसका व्यू भी अच्छा है, यहाँ कंस्ट्रक्शन का भी काम हो रहा है। अभी जो है यहाँ से कुछ लेना है, और क्या लेना है बिस्कुट वही वाले सही हैं और फ्लेवर नहीं। जी तो व्यूअर्स अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे इनवाइट किया है, और ये तवाज़ू कैफेटेरिया है के बहरिया टाउन का है, तो इंशाल्लाह यहाँ पर देखते हैं। अभी हम लंच डिनर करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, और फिर वहीं पर ही व्लॉग को एंड करेंगे। ये तवाज़ू कैफेटेरिया के अंदर है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कैफेटेरिया था, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट गए और रश काफ़ी कम था, तो हम लोगों ने जो है ये चिकन कढ़ाई का ऑर्डर दिया था, जो कि नो डाउट काफ़ी अच्छी थी। प्लेट्स वगैरह आ गई हैं, और ये सामने अभी कढ़ाई भी आ गई है, और रोटियां माशाल्लाह ज़बरदस्त फूली हुई गरम गरम, क्या बात है। ये जब कढ़ाई उठाई तो भाई ज़बरदस्त मज़े की थी, और माशाल्लाह पाकिस्तानी खानों की बात ही अलग होती है। जी तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिनर हो चुका हुआ है, और अब इसी ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।